हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अकलमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। जो इंसान सिर्फ अपने ही राय को पसंद करता है वो जलील हो जाता है। अपनी ज़िंदगी के तीन उसूल बना लो, उनसे ज़रूर माफ़ी मांगो जिन्हें तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ना जो तुम्हें चाहता हो, और उससे कभी कुछ मत छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। बदतरीन इंसान वो है जो लोगों के ऐबों के पीछे लगा रहे और अपने ऐबों पर भी निगाह ना रखें। याद रखो, गुस्से की हालत में कोई फैसला न करो और खुशी की हालत में कोई वादा न करो। हक जहां भी हो वहां तक पहुंचने के लिए शदीद सख्तियों में भी घुस जाओ। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा न समझे। खबरदार, बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार न करो, क्योंकि उसकी मिसाल आग जैसी है। जो भी उसके करीब जाता है तो वो उसको ही जलाकर खाक कर देती है। तीन अफराद ऐसे हैं जिनके रिजक में अल्लाह कभी बरकत नहीं डालता। पहला वो जो इंसानों को बेचता है, दूसरा वो जो कसाई है, और तीसरा जो पलदार दरख्त को काटता है। किसी पर एहसान करोगे तो उसके हाकिम बन जाओगे, किसी से बेपरवाही करोगे तो उस जैसे बन जाओगे, और किसी से सवाल करोगे तो उसके कैदी बन जाओगे। तुम्हारा वो गुनाह जो तुम्हें खुदा की बारगाह में रंजीदा कर दें, तुम्हारे उस नेक काम से बेहतर है जिसे अंजाम देने पर तुम्हें फख्र हो। तन्हाई में किए गए गुनाहों के अंजाम से डरो, क्योंकि उन गुनाहों का गवाह खुद अल्लाह है। दोस्ती और मोहब्बत उनसे करो जो निभाना जानते हो, नफ़रत उनसे करो जो बुलाना जानते हो, और गुस्सा उन पर करो जो मनाना जानते हो। खुद पसंदी एक ऐसा अमल है जो बढ़ते हुए कमाल को रोक देती है। मर्द की खुद पसंदी उसकी हमाकत है। जो सबसे ज़्यादा वहशतनाक चीज़ है वो खुद पसंदी है। खुद पसंदी हलाकत का सबब बनती है। नादानी की इंतहा खुद पसंदी है। तुम्हारा बदतरीन दुश्मन वो है जिसकी चाल सबसे छुपी हुई हो। जिंदगी में कसम, कदम और कलम सोच समझ कर उठाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसले से ही हासिल होता है। खुद पसंदी एक ऐसी चीज़ है जो अकल को बर्बाद कर देती है। तुम्हारे नज़दीक तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन उस शख्स को होना चाहिए जो तुम्हारे ऐबों की तलाश में रहता है। अकलमंद की फिक्र हिदायत है और जाहिल की फिक्र गुमराही है। गौर व फिक्र करना लंबी इबादतों से अफजल है। जुबान और जिस्म के साथ लोगों से गुल मिल जाओ, मगर अपने आमाल और दिल के ज़रिए उनसे जुदा हो जाओ। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर लें।